जानकार कहते हैं कि फ्रांस अपने घर में शरणार्थियों को इसलिए जगह देता है जिससे उसे सस्ते मजदूर मिल सके, लेकिन अब वही शरणार्थी उसके जी का जंजाल बन गए। उसके बाद सवाल उठने लगे कि फ्रांस में दंगाइयों को खतरनाक हथियार कौन दे रहा है। मुंह पर नकाब पहने दंगाइयों ने पूरे फ्रांस की तस्वीर ही बदल दी, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इसी बीच खबर आ रही है कि अब भारत के जाबाज सैनिक फ्रांस जाएंगे। इन सैनिकों को ट्रेनिंग मिल रही है पंजाब रेजिमेंट से। पंजाब रेजिमेंट की बात करें तो ये भारतीय सेना की उन सबसे पुरानी रेजिमेंट से एक है जो अभी भी सेवारत है, और इसने विभिन्न लड़ाइयों और युद्धों में भाग लिया है और अनेक सम्मान भी प्राप्त किए हैं। इस रेजिमेंट में मुख्य रूप से पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सिख और डोगरा जाति के लोगों की भर्ती की जाती है, जबकि 2 बटालियन में अन्य जाति के लोगों की भी भर्ती की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारतीय सैनिक फ्रांस क्यों जा रहे हैं? क्या फ्रांस में मोर्चा संभालने के लिए जा रहे हैं? तो बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस आमंत्रित किया है। पीएम मोदी को फ्रांस में होने वाली बैस्टिल डे परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस के दौरान फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि बनने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। खास बात तो यह है कि फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में पीएम मोदी तो शामिल होंगे ही, साथ ही परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय तीनों सेना के अंगों की टुकड़ी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने बयान में कहा, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल फ्रांसीसी बलों के साथ परेड में भाग लेगा। ये ऐतिहासिक यात्रा हमारे समय की बड़ी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की संयुक्त पहल को भी आगे बढ़ाएगी। फिलहाल ये यात्रा बेहद खास होने वाली है क्योंकि मैक्रों के मौजूदा कार्यकाल में किसी विदेशी नेता के साथ ये पहली बैस्टिल डे यात्रा होगी। पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक संवाद जारी रखना है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।